लेट्स डिस्कस कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, एज फॉर एज प्योर वाटर इज कंसर्न, प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट इन फीबल मैनर। अब हमें पता है कि आउट ऑफ 10^7 लीटर ऑफ द प्योर वाटर जस्ट 1 मोल गेट डिसोसिएटेड प्रोड्यूसिंग H+ एंड OH- आयन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्योर वाटर डिसोसिएट, प्योर वाटर डिसोसिएट्स इन फीबल मैनर, इन फीबल मैनर एज। अब इसका डिसोसिएशन देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। सो डिसोसिएशन ऑफ वाटर, आई मीन प्योर वाटर, कैन बी शोन इन दिस मैनर। इसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। सो एज फॉर एज वाटर इज प्योर, यानी अगर वाटर प्योर है, नो कॉन्टेमिनेशन, अगर यानी वाटर वाटर के अंदर किसी चीज का कॉन्टेमिनेशन ना हो, जैसे सॉल्ट हमने नहीं डाला, तो ऐसे में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन दैट इज H+ एंड OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। सो इन प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ दैट इज हाइड्रेटेड H+ जिसको हम बोल सकते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज इक्वल, दैट इज कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम या कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्वल। तो ये चीज हमें समझना होगा। लेकिन जब हम सॉल्ट को इसमें डालते हैं तो सॉल्ट्स डिसोसिएट कंप्लीटली, याद रखना, सॉल्ट्स डिसोसिएट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब याद रखे, अगर सॉल्ट के आयन्स इधर अनायन और कटायन और बोथ अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो वन ऑफ द आयन्स ऑफ वाटर विल गेट कंज्यूम। अब मान के चलो सॉल्ट का आयन H+ के साथ कंबाइन हुआ, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कंपैरेटिवली, तो OH- आयन बढ़ के दिखेगा, इसलिए सॉल्यूशन जो है वो बेसिक दिख पड़ेगा। और अगर OH- आयन कंज्यूम होते हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक दिख पड़ेगा। सो याद रखना, सो व्हेन आयन्स ऑफ सॉल्ट, व्हेन आयन्स ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद आयन्स ऑफ वाटर, देन सॉल्यूशन अपीयर्स एसिडिक और बेसिक। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा H+ और OH- आयन का। तो ये जो रिएक्शन होता है, यानी सॉल्ट का आयन इधर अनायन और कटायन रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग एसिडिटी और बेसिसिटी, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सो दस द रिएक्शन ऑफ आयन्स ऑफ सॉल्ट that is either anion or cation or both with water to produce either acidity or basicity in the solution is known as hydrolysis of salt, उसको hydrolysis of salt कहना चाहिए। अब याद रखना, अगर cation react करे किसके साथ, water के ions के साथ, तो उसे cationic hydrolysis कहना चाहिए, और अगर anion react करे तो अनायोनिक हाइड्रोलिसिस कहना चाहिए। सो याद रखना, रिएक्शन ऑफ कैटायन विथ वाटर इज नोन एज कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस एंड दैट ऑफ
anion with water is known as anionic hydrolysis. उसको हम लोग anionic hydrolysis कहेंगे. So ये था hydrolysis of salt.